उक्के में कितना पाप है? सौ नारी जारी करे सुरापान सो बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का का मीन तम्बाकू से है, तम्बाकू चाहे सिगरेट में पीवो, चाहे बीड़ी में, चाहे हुक्के में, चाहे सूंघ लो या खावे, सारा ही दोष है। एक भक्त दुकान कर रखी थी एक ने, और वो एक भक्त जो है सिगरेट पीता जा, बूढ़ा आदमी नाम लिया था उसने, एक से एक वर्ष हो गया था। और दूसरे भगत का लड़का बोला, ताऊ तू सिगरेट पीवे? गुरुजी ने मना कर रखा, भाई तेरा तो नाम टूट गया। ने बोला, ना बेटा, नो के नाम टूट रहा है। ता बोला, गुरु जी ने हुक्का पीण तो मना कर रखा, सिगरेट थोड़े नटे थे। तो जिसने बकवाद करनी है, जिसने मर्यादा नहीं निभानी है, वो अपने कोई सिस्टम तैयार रखे। तो लड़के ने मतलब के उसको कहा, ताऊ तुरंत नाश कर लिया अपनी भक्ति का, तम्बाकू तो है ही, चाहे सिगरेट में पी ले, जहर न चाहे गिलास में पी ले, चाहे किसी कटोरी में गाल के पी ले, तो जहर। तो क्या बताते हैं, कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खुल है, 70 जन्म अंधा हो डोल है। सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, वो 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। जैसे किसी पर स्त्री गमन करने वाले को कितना दोष होता है, कहते हैं 70 जन्म अंधा हो डोल है। फिर सुरापान मदमासा हारी, दारू पीवे, मांस आहार करे और पर स्त्री गमन करे, उसके साथ क्या होगा? सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। कहते हैं उसके 70 जन्म तक बुरी तरह दुर्गति से मृत्यु होगी, कभी मुर्गा बनेगा, कभी बकरा बनकर उसके शीश कटेंगे, यानी दुर्गति से बहुत बुरा हाल होगा। अब उन सबको मिलाकर 100 नारी जारी करे, ओए होए, और 100 एक, फिर कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी, ओए होए, शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होंगे कंटिन्यूस। आगे गधे वाली नंबर जब बाद में होगा, पहले कंटिन्यूस 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और कुत्ते का जन्म तो एक का बतीरा। अब तो दारू पीकर बकवाद करें, और फिर कुत्ता गंदे नाले का पानी पीता है। तो कहने का भाव ये बता रहे हैं परमात्मा के 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन का कितना पाप है, 70 जन्म अंधा हो डोल है, और 70 जन्म कटे शीशम। और कहते हैं ऐसे ऐसे 100 कुकर्म कर ले, 100 पाप, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक बार शराब पीने तक कितनी हानि बताई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जाने। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार, उनसे भी अधिक कितना पाप है। कहते एक हुक्का भरके देने वाले को, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होएगा, जो भरके दे उसमें सहयोग देता है उसको भी इतने पाप लगेंगे, वो भी डूबे काली धार अर्थात घोर नरक में डाला जाएगा। तम्बाकू कितना हानि करता है, क्यों इतना दोषी बताया, इसमें इतना दोष क्यों है? एक हुक्का पीने वाला या सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला हुक्का पीवे, धुआं छोड़ है, वो धुआं सारे घर में घूमे, वो नवजात बालक छोटे छोटे वह सो रहे हैं उनमें भी धुआं, श्वास से उसकी बदबू जावे धुमे की, यानी पूरे परिवार के नाक में दम रख है, और फिर वातावरण दूषित करे। ओके की धुआं का जब छोड़ते हैं उसमें ना जाने कितने इस वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो अंधे होकर नीचे गिरते हैं धुएं के इस इफेक्ट तक, और पैरां तला करके मरते हैं। वो एक घूट मारने से उसको कितना कितनी जीव हिंसा कर दी, यानी कितना धुएं से कितना हानि कर दी, वो पाप उस तम्बाकू प्रयोग करने वाले के बैड अकाउंट में जाते हैं।
और फिर हमारे परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा पाने के लिए, इसमें ये ईड़ा ये पिंगला, ईड़ा और पिंगला ये दो नाड़ी बताई जाती हैं है अंदर शरीर में, और इनके बीच में मध्य में जाकर के एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी सुई की नोक टक है, ऐसा सुराख है जो भक्ति के प्रभाव से ये अपने आप लेडर की तरह हवा भर के वो खुल जाता है और फिर उसमें से आत्मा अंदर जाकर के फिर नीचे मूल कमल से प्रारंभ होती है। अब क्या होता है कि उसमें वो तम्बाकू का जो पीते हैं तम्बाकू और नाका में अगर छोड़ दिया गोटा मारेगा नो छोड़ दिया करें तो वो धुआं जो है उस सुराख को पॉलिश कर देता है, परमात्मा के पाने वाले उस मेन गेट को बंद कर देता है। तो इससे बड़ा शत्रु हमारा और क्या हो सकता है, फिर इस जीवन का के फूकेंगे तो ऐसा गधे का ऐसा कुत्ते का, जब भगवान नहीं मिला इसमें वो रास्ता बंद कर दिया। दास ने ये सत्संग किया और वो पुण्य आत्मा जो बुढ़ा में बताऊं था कि भाई बुढ़ापे में सारी उम्र तक हो दी और 65 साल की उम्र हो दी थी, ये सत्संग सुन रहा था ऊपर बैठ कर दूसरे बेटे की छत पर, आगे पाखंडी है मेरा छोरा भुका लिया, मन मनो का था मेरे से गंदे गंदे विचार आए आवे थे आप आए जब आपके। तो उसने पहले हम 3 दिन सत्संग करते थे, 2 रात को अगले दिन सुबह कर करके फिर भोग लगा के हम प्रस्थान करते थे। तो पहले दिन तो उसने सुना बुढ़े ने सत्संग और दूसरे दिन तो वो सत्संग, जब अगले दिन भी उसने सत्संग सुना, भोग लगना था अगले दिन तो बूढ़ा यानी शाम के समय जब सत्संग खत्म हो लिया वो आ गया और वो पहले उस बच्चे ने उसके अपने पुत्र वधु ने कई बार ने कहा था तुमने नाश करोगे है यहाँ केवल आ लिए ये नाश करने लग रहे तुम ऐसे ऐसे करते हो ये पाखंड क्या कर रहे हो तुम। तो उसकी पुत्र वधु ने सोचा ये बुढ़ा है भी महाराज जी ने कि मुन्नी सी किसका है गार यो इज्जत का गाक बनेगा हमारी का। अब बोल रहा कि उसने बाप आकर बैठ गया और वह खड़ी होगी दूर सी अगीब देख रहा के बोल रहेगा इसने के कहा बुढ़ा और लोग ने शर्म लिया और भाई मैं माना रहा मारे इनके कहेगा। तो बुढ़ा ने बोला महाराज जी हमें पता था कि भाई जो सत्संग नहीं सुनते वह ठीक तो बोला नहीं करे, हमने सारी तरह के आदमी देखे 4-5 वर्ष गांव में गए हमने कोई इससे लेना देना नहीं था भाई कोई राजी बोला उसका बोला बुंडा बोला अपने जबान और कान दोनों बंद कर लेते। मैं कह लेगा मानेगा थोड़ी बहुत बतावाएंगे भाई नहीं मानेगा तो इसकी मौज है। कहने लगा महाराज जी मेरे ये 3 बेटे बताए उसने 2 इतना ध्यान नहीं बोला हमारे पास 2 किले थे आज मैंने 8 किले 9 किले और मोल लिए अपने जीवन में और पशु से भी बदतर धंधा किया हमने और आज जो आपका ज्ञान सुना ये बातें मैंने कभी सुनने को नहीं मिली ना मैं कि तो जाया करता मैं तीन सत्संग करने वाले न पाखंडी समझा करता था आपका ज्ञान सुना मैंने वहां ऊपर बैठ करके। अब मेरा केरा होगा न्यो कह के वो डर रोन लग गया जिस तरह बालक रोया करे न्यो पढ़ के। मैं बोला की बात होगी क्यों नहीं क्या बात होगी मैंने समझाया फिर तो दिल साहब उसका डट लिया जब लग गया बताने कहने का ये बात तो मैंने जिंदगी में कभी सुनी है को नहीं जो आज आपने मेरा तो कर्जा पटन हो रहा नींद नहीं आई रात को मुझे मैंने तो इतने हुक्के पी रखे हैं कि हुक्का सिला नहीं होने दिया करता मैं अब मेरा की रहा होगा मेरे जैसे पापी का क्या इलाज जो मैंने सारा जीवन पशु से बदतर धंधे किए और अब जी अब उम्र चली गई अब भक्ति हो को फिर रोने लग गया फिर रोने लगा वो मैं फिर उसको समझाया मैं बोला कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक इस आत्मा के इस जीव के असंग जन्म हो लिए और यदि अब भक्ति नहीं शुरुआत करी तो आगे भी ये झंझट सदाई बना रहेगा आप अब शुरू कर दो इस उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न बताइब के होगी दिन के बरा कह दिन का मैं मान हूं मैं कितने वर्ष का अब तो मुश्किल है नो नाड मारे
फिर उसको समझाया कि ध्यान से सुनो आप, जैसे कुएं में बाल्टी पड़ दियो, डोल है बाल्टी होती है जिसका रस्सा बांध कर कर पानी बाहर खींचते हैं, और वह बाल्टी कुएं में चल पड़ी और उसका जो रस्सा लटकता हुआ आ रहा है, यदि हाथ पैर मार कर दौड़ धूप करके उस रस्से को लास्ट बीट, उसकी जो लास्ट एंड बीट है ना पूछड़ी, वह नेजू की उस रस्से की बाल्टी के बंधे हुए रस्से की पूछड़ी ठहगी, यानी एंड भी मिल गया, चार उंगल का रह रहा वो भी हाथ में आ गया तो कुछ भी ना गया, वह बाल्टी भी आवर पानी भी मिले। अब जावत यह कि जब हाथ पा नहीं मारेंगे तो गई, वो तो जा ही रही है। पहले लंबे लंबे रस्से हुआ करते, गहरे पानी होते थे कुओं में, और कम से कम 50-60-100 फुट तक की लंबी रस्सी होती थी, तो उसको जाने में भी समय लगता था। तो अगर उसकी पूछड़ी भी ठहगी ना नेजू की उस रस्से की, तो कुछ भी कौन गया, और नहीं हाथ पा मारेगा तो गई, फिर तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह बात उस बुढ़े के कसूती जचगी। मैंने उसको समझाया कि आप नाम शुरू करो, मोक्ष नहीं होगा तो मनुष्य शरीर आपको गारंटीड मिलेगा। वैसे तो मोक्ष इसी में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सत भक्ति करो, सच्चे मन तक लगो और पूरी मर्यादा निभाओ, मुक्ति में कोई बात है? एक सांस के सीमेंट की इतनी कीमत है, सब कुछ आपके पास होगा। तो उसका बात समझ में आ गई। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला, जैसे सत्य सुमन हो, लाख वर्ष का जीवन को लेखद रहना को थोड़ा जीवन बतेरा, जो सच्चा सुमरण हो, सच्चा मार्ग हो, सच्ची श्रद्धा से आप करो, डर के करो, फिर मर्यादा में रहते हुए करो, तो कोई मोक्ष में कोई ज्यादा वो नहीं है। तो वो कहने लगा जी ना तो मैं दान कर सकता, ना मैं धर्म कर सकता। मैं बोला ये तेरे बेटे तीर्थ पहला नाम पाएंगे। जब वह बुढ़िया वह माई आ गई वहां बैठगी, ने बोली अपने सोसर के लिए एक पाठ तो मैं कराऊंगी। मैं बोला देख हो गया तेरे दान शुरू, परमात्मा पर लगो, रस्ते आप खोल देगा, कोई दिक्कत। आप सुमरण करो, आपने जो सुमरण से बढ़ा तो कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मान लिया। आप अपनी भक्ति करो, सुमरण बढ़ाओ, सारा कुछ इसी में आ जाएगा, भक्ति करो डट के। क्योंकि दान धर्म सेवा जो है हम हृदय साफ करने के लिए कराते हैं, और ई बाप का कर्जा पाटन न हो रहा, और कुछ पाप करने जगह रही नहीं, पाप तो आप केवल इसलिए करो थे कि ये ओका पीओ थे, और तेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपके लिए खूब यज्ञ भी कराएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। तो उसने उस बुढ़े नाम लिया, 10 वर्ष वो जिया, खूब डटकर भक्ति करी, तीनों नाम प्राप्त किए और अपना शरीर छोड़ के आराम से चला गया। बोलो सतगुरुदेव।